हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर आपके लिए बहुत छोटा चैप्टर है, दो ही एक्सरसाइजेस हैं जो मेनली आपने करनी है एंड मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ज़्यादातर पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है, इसीलिए मैंने जो डिलीटेड पोर्शन है वो पहले ही मेंशन किया है। आपकी एग्जाम्पल्स 15 to 40 आपकी डिलीटेड है, मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है 45 एंड 49th एग्जाम्पल आपके डिलीट है, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस डिलीटेड हैं एंड एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 आपके डिलीटेड है। ओके, सो हम बेसिकली 1.1 एंड 1.2 करेंगे एंड मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो रिमेनिंग है, दैट्स इट। ओके, सो पहले हम रिलेशंस एंड फंक्शन देखिए, आपने प्लस वन में भी पढ़ा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी क्योंकि रिलेशंस एंड फंक्शंस सेट से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको पिछला जो है वो बताना चाहूंगी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने सेट टर्म पढ़ी थी। सेट हमें पता है कि जैसे हम ए ले रहे हैं, ए के अंदर ये 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट्स हैं जो सेट के हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से हम सेट को डिफाइन करते हैं एंड सेट बेसिकली होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको हम सेट बोलते हैं। एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को जो कि हम वेल डिफाइंड कर रहे हैं उनको हम सेट बोलते हैं। सेट में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, जैसे आपको एक ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, आपको बी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 हैं। जब आप ए क्रॉस बी लोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए के बी के साथ प्रोडक्ट, यानी ए का हर एलिमेंट को आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जैसे ए का एलिमेंट है स्मॉल ए, इसको दोनों के साथ, ए का स्मॉल 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ऐसे ही बी को भी 1 और 2 के साथ, b1 b2, ऐसे ही सी को भी 1 और 2 के साथ, c1 c2, डी को 1 और 2 के साथ, d1 d2, ये क्रॉस बी है। अगर मैं उल्टा लेती हूँ बी क्रॉस ए, तो आप देख सकते हो इसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को पहले आप सबके साथ करोगे, सो इसीलिए 1a 1b 1c 1d, ऐसे ही 2 को आप सबके साथ करोगे, इसीलिए 2a 2b 2c 2d, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि अगर मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स अगर मैं कंपेयर करूं, तो देखो यहाँ पे ए कॉमा 1 है, बट यहाँ पे तो 1, a है, a कॉमा 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे a कॉमा 2 है और यहाँ पे 2, a है, मतलब उल्टे हैं बट सेम नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b जो होता है उसका आंसर नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होता है, ठीक है, क्योंकि हम इनको ऑर्डर में लेते हैं। जैसे मैंने a 1 को 1, a के बराबर नहीं माना, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे a पहले आ रहा है और 1 बाद में, यहाँ पे 1 पहले आ रहा है और a बाद में, तो ऑर्डर मैटर करता है। क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, नेक्स्ट डोमेन। अब डोमेन और रेंज ये भी टर्म हमने पढ़ी थी। हम जब भी देखिए हम प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी ये सेट के एलिमेंट्स हैं इन सब में जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो बेसिकली आपका डोमेन है। ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट आपके रेंज है, यानी कि अगर ये ए कॉमा 1 आपका ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें पहला एलिमेंट ए वो आपका डोमेन है। यहाँ पे पहला एलिमेंट देखिए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, बाकी रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें रिपीट नहीं करना, यानी कि ए बी सी डी आपके क्या है, डोमेन। और इन्हीं के जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट यानी जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2, 1, 2, तो वह आ रहे हैं आपके पास, ये रिपीटेड है बट है तो 1 और 2, तो जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं दीज आर योर रेंज। ओके, देन रिलेशन पे बात आ जाती है। देखिए रिलेशन बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जैसे हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, इसी के अंदर से रिलेशन बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा हो, नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनेगा तो वो रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा रहेगा, ये याद रखना है। और रिलेशन इसीलिए हम कहते हैं सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे कि आपके पास रिलेशन ऐसे दिया हुआ है कि x कॉमा y है, जहाँ पे x वॉल है और y इज एन इवन नंबर। अगर मैं यहीं से ही देखूं आपके पास,
तो एक्स जो है वो वॉल है और वाई एक इवन नंबर है, तो ऐसा कौन सा है? देखो पहला नंबर वॉल है, एक्स पहला नंबर होता है, तो ये ए आपके पास वॉल है, यहाँ पे बी तो है ही नहीं है, सी भी वॉवल नहीं है, डी भी वॉवल नहीं है, तो यानी कि सिर्फ ए वॉवल है। एंड दूसरा आपका क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो इवन नंबर यहाँ पे देखो वन तो नहीं है, यहाँ पे टू है, तो यानी कि ए कॉमा टू ही यहाँ से बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ए कॉमा टू। सो इसलिए कहते हैं रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। देन इज फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप क्यों है? क्योंकि जो फंक्शन है जब हम रिलेशन की तरह ही उसे लिखते हैं, बस वहां पे प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। प्री इमेज मतलब डोमेन। जैसे कि मान लो आपके पास आपने ये रिलेशन बनाया, दिस इज अ रिलेशन 1,2, 1,6, 7,8, 3,2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो डोमेन है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं, तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट वन है, तो ये डोमेन रिपीट हो गया, प्री इमेज रिपीट हो गई। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे प्री इमेज रिपीट हो गई। बट अगर मैं नीचे वाला रिलेशन लूं, तो देखो 1,2 है, 5,6 है, 7,8 है, 3,2 है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोबारा से रिपीट हो रहा है वाई पॉइंट पे, तो ये क्या है? आपकी रेंज। रेंज रिपीट हो सकती बट फंक्शन, फंक्शन में प्री इमेज रिपीट नहीं हो सकती, यानी डोमेन रिपीट नहीं हो सकता। सो इस वाले रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं, बट ऊपर वाले को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहां पे डोमेन जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके ना। अब रिलेशन कितने तरह के होते हैं? रिलेशन इज, पहला होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब जब ए ए बिलोंग्स टू आर, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम है एंड इट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन सिमेट्रिक होता है अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इफ वाली कंडीशन है, मतलब ये गिवन है कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, जैसे 1,2 है, अगर वो रिलेशन को बिलोंग करता है तो 2,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, देन रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव अगर आप देखिए, तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि अगर If A comma B belongs to R and comma B comma C belongs to R, मतलब A comma B भी R को belong कर रहा है, B comma C भी R को belong कर रहा है, then A comma C R को belong करना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो वो relation transitive होगा। ठीक है, तरह से बता रही हूँ, A comma B R को belong कर रहा है, B comma C भी R को belong कर रहा है, this is given। Then you have to check कि क्या a comma c r को belong कर रहा है। अगर ऐसा है then this is a transitive relation। And if a relation is reflexive, symmetric or transitive, तीनों है अगर वो, then it is called an equivalence relation। Okay? अब आप देखिए, जैसे ये मैंने नीचे एक relation की example दे रखी है। अब अगर मैं चेक करूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1,1 भी है, 2,2 भी है, तो यस 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2,2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब अगर मुझे सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक मतलब जैसे 2,3 है, तो इसका उल्टा 3,2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अगला मुझे अगर ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव देखो, जैसे अगर 1,5 है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 5,6 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, यानी ए कॉमा बी है फिर बी कॉमा सी है, तो ए और सी भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, यानी 1,6 भी करने चाहिए, तो कर रहे हैं 1,6, यानी कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। यानी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसी के बेसिस पे देखिए, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली, अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 में देखिए आपको बोला, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको डिटरमिन करना है। सबसे पहले देखिए, आपको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन इन द सेट ए। अब ए सेट है, आपको ये बताया है, ए सेट 1 से लेके 14 तक नंबर है, डिफाइंड एज रिलेशन इज इक्वल टू। अब रिलेशन ये दे रखा है, एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब समझते हैं। देखो रिलेशन आपको ये दे रखा है x कॉमा वाई, अगर मैं लिखूं 3x माइनस y इज इक्वल टू जीरो तो इसको मैं 3x इज इक्वल टू y भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब रिलेशन में बेसिकली देखो आपको पहले तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही निकालना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका जैसे ए सेट है तो कोई और सेट तो दिया नहीं हुआ, तो ए सेट का ए सेट के साथ ही निकालोगे। मतलब ए सेट में अगर 1, 2 से लेके 14 एलिमेंट तक है तो एक और ए सेट होना चाहिए जिसके 1 से लेके 14 तक एलिमेंट हो। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, पहले इस ए सेट का 1 का दूसरे ए सेट के 1 से लेके 14 एलिमेंट तक का पेयर होगा, फिर इस ए सेट के 2 का दूसरे ए सेट के 1 से लेके 14 तक पेयर होगा। आप समझ सकते हैं ऐसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे इसका 14 तक होगा, ऐसे 2 का भी 2 1 2 2 2 3 अप टिल 14 होगा। ऐसे ए सेट का जो 14th नंबर होगा उसका भी किसके साथ होगा, 14 तक होगा। अब बात आती है रिलेशन की, ये तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था, रिलेशन क्या है जो हमने इस हिसाब से लेना है 3x is equal to 1। अब मेरे पास है a के एलिमेंट्स, ये मेरी x के टर्म्स है 1 से लेके 14। मैंने क्या किया यहाँ x की जगह 1 पुट किया, 1 तो x की जगह 1 पुट किया तो 1 into 3 आंसर क्या आया 3, तो वो y होगा। ऐसे मैंने x की जगह 2 पुट किया सो 3 into 2 y क्या आया 6, x की जगह 3 पुट किया सो 3 into 3 y क्या आया 9, x की जगह 4 पुट किया 3 4 12 सो 4 पुट किया तो 12 आया। अब अगर मैं x की जगह 5 पुट करती हूँ सो 5 into 3 15 हो जाएगा, और 15 तो ए सेट में है ही नहीं, उससे बाहर हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ इसी रिलेशन को ये सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये इस a क्रॉस a में आना चाहिए, तो अगर मैं 15 नंबर ले लेती तो वो आता ही ना, ओके सो इतना होगा। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है। So, देखो यहाँ पे सबसे पहले 1, 1 कहीं दिख नहीं रहा, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है 1, 1, 2, 2 कहीं नहीं दिख रहा। सो पहले तो लिखेंगे एज 1, 1, 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 1, 3 है बट इसका उल्टा 3, 1 कहीं पे भी नहीं है, सो 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर को बट 3, 1 नहीं कर रहा, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही अगर मैं 1, 3 लेती हूँ 1, 3 तो अगला 3 से स्टार्ट होना चाहिए यानी कि 3, 9 ठीक है, 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर को, 3, 9 बिलोंग कर रहा है बट 1 और 9 क्या बिलोंग कर रहे हैं, ए और सी क्या कर रहे हैं, नो 1 और 9 तो है ही नहीं इस पूरे उसमें, 1 और 9 कहीं नहीं है, 1, 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है सो तीनों ही नहीं है। सेकेंड पार्ट देखिए, जैसे आपको ये रिलेशन दे रखा है, आपको क्या बोला है सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो देखो कितने भी हो सकते हैं ना, 1 से लेके आगे कहीं तक भी जाओ, तो 1 का सेट मतलब सॉरी नेचुरल नंबर का सेट अपने आप से ही होगा, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी लेती हूँ तो अपने आप से ही होगा 1 का 1 से 1 का 2 से ऐसे 1 का फिर जितने भी एंड तक आप जा सकते हो इनफिनाइट नंबर्स, ठीक है वहां तक हो सकता है, ऐसे फिर 2 का 1 से 2 का 2 से ऐसे से। तो ये जो है सेट हमारा इनफिनाइट है इसलिए हमने आगे डैश लगा दी, तो आगे अनएंडिंग है। सो हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया है कि एक्स वाई, जहाँ पे y क्या है x+5 एंड कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, तो पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x 1 पुट किया, 1 पुट किया क्योंकि नेचुरल नंबर है तो मैं नेगेटिव नहीं पुट कर सकती, 1 पुट किया सो 1+5 6, तो x 1 पुट किया y 6, यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो y कितना आ जाएगा 2+5 7, 3 पुट करूंगी 3+5 y 8 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगी कर ही नहीं सकती क्योंकि x क्या है 4 से छोटा, यानी कि हमारा यही रिलेशन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। सो सबसे पहले अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है यानी सेम सेम होने चाहिए, अब आप रिलेशन में देखो 1, 1, 2, 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सो एज 1, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलेशन में कि 1, 6 है तो 6, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ 1, 6 बिलोंग्स टू आर देन 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन क्या हो गया नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें
कि कोई ऐसा पेयर जहां पे x, y r को बिलोंग करे और y, z r को बिलोंग करे, तो x, z भी r को बिलोंग करना चाहिए, मतलब जो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन है। तो ऐसा तो आप रिलेशन में देखो कोई बन ही नहीं रहा। अगर मैं चेक करूँ 1, 6 तो अगला कोई 6 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अगर मैं 2, 7 चेक कर रही हूँ तो कोई 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा। 3, 8 चेक कर रही हूँ तो कोई 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये जो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन है ये तो वो फुलफिल ही नहीं कर रहा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचना है, देन आपको वही कंडीशंस चेक करनी है हर एक क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट में देखिए, आपको सेट ए दे रखा है, यहाँ पे सेट ए दिया और यहाँ पे रिलेशन दिया है कि y इज डिविजिबल बाय x। अब ए सेट है तो क्रॉस भी देखो a का a के साथ ही होगा। अब 1 से लेके 6 एलिमेंट है तो यानी कि इसका जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है वो भी 1 से लेके 6 एलिमेंटों का होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसके 1 एलिमेंट को उनके 6 एलिमेंट के साथ करेंगे, फिर इसके 2 एलिमेंट को उनके 6 के साथ करेंगे, इसके 3 एलिमेंट को उनके 6 के साथ, तो ऐसे 6 के साथ करेंगे। अब रिलेशन बनाते हैं, आपको बोला है कि y इज डिविजिबल बाय x होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 एलिमेंट है, 1 से डिविजिबल होता है तो यस मैंने वो रिलेशन में इंक्लूड कर दिया। 2 एलिमेंट है, 2 से डिविजिबल होता है वो भी इंक्लूड कर लिया। 3 से होता है वो भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ऐसे ही 4, 5, 6, 6 तो y इज डिविजिबल ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे प्लीज डैश डैश लगा लेना क्योंकि और भी नंबर आएंगे, ये सिर्फ इतना ही नहीं है रिलेशन। आप पूरे नहीं, जरूरी होता कि पूरे आप रिलेशन में लिखो, आप डैश डैश करके लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे चेक करना है, चलो सेम सेम वाले तो चेक कर लिए, अगर मुझे चेक करना है कि कोई और नंबर, जैसे कि मैं चेक करूं कि आपके पास y x से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैंने जैसे लिखा है 2, 6 तो देखो यहाँ पे 6y है, 6 2 से डिविजिबल है, ऐसे ही 3, 6 6 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से भी नंबर हो गए। सो अब सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। मैंने फिर बोल रही हूँ रिलेशन जो है वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ आइटम्स लिख सकते हो क्योंकि लंबा जाता है, बाकी आप डैश डैश करके लिख सकते हो। सो सबसे पहले एज 1, 2, 3 ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सेम सेम टर्म्स आ रही है। अब यहाँ पे देखो 2, 6 है, 2, 6 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या मैं इसका उल्टा भी रिलेशन को बिलोंग करेगा 6, 2? 6, 2 में देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि y इज डिविजिबल ऑफ x। 6, 2 में y क्या होगा, 2, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो वो नहीं सेटिस्फाई होता तो आप क्या लिखोगे, बट 6, 2 डज नॉट, यहाँ पे लाइन प्लीज क्रॉस लगा लेना, यहाँ पे बिलोंग्स टू के क्रॉस लाइन लगा लेना, डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे को वो ए बी वाली कंडीशन चेक करनी है कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है और बी और सी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने चेक किया कि 1, 3 अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 3 इज डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट है, y इज डिविजिबल बाय x, एंड फिर 3 आगे किसके साथ जा रहा है, 3, 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3। सो 1, 3 अगर r को बिलोंग कर रहा है एंड 3, 6 अगर r को बिलोंग कर रहा है तो क्या करना चाहिए, 1 और 6 भी r को बिलोंग करने चाहिए। अब 1 और 6 अगर हम लिखते हैं तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यस 6 इज डिविजिबल बाय 1, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इसके और भी पार्ट हैं तो वो आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ और नहीं चेक करना। इनफैक्ट ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एज। अब ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, बोला है कि इसको प्रूव करो कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, ठीक है। सो अब देखो रिलेशन आपके पास कौन सा है, पहले ये देख लो, रियल नंबर्स का है। सेट कौन सा है, आर, जो कि रियल नंबर्स का है। सो सेट आर है मतलब आप कर लो कि सेट आर है तो उसमें हर तरीके के रियल नंबर होंगे, और क्योंकि एक ही सेट है तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी उसी सेट के साथ हम लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हर तरीके के रियल नंबर लिख लिए, प्लस बी, नेगेटिव बी, फ्रैक्शनल बी, तो मैंने लिख दिए। अब आपको प्रूफ करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम एलिमेंट्स जो है वो नहीं आ सकते। अब यहाँ पे अगर मैं 0, 0 का 0 के साथ लूंगी
तो वो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर बार कंडीशन चेक करनी है। बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए, अगर मैं 0,0 लेती हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 के, क्योंकि इक्वल टू भी तो है ना, 0 के भी तो बराबर होगा, तो वो तो सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे मैं 1,1 चेक करूंगी तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 जो है वो तो होगा। बट कुछ ऐसा चेक करना है जो कि ना बराबर हो, जैसे मैंने 1/2,1/2 लिया, आप यहाँ पे पुट करके देखो b की जगह 1/2, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1/2, 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r, देयरफॉर रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और लिया, क्योंकि अब मुझे सिमेट्री की कंडीशन करनी है। जैसे मैंने लिया एलिमेंट 1,5 से, क्योंकि रियल नंबर है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। अगर मैंने 1,5 से पेयर लिया तो होना क्या चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं 5 डालू तो 5 का स्क्वायर और इधर क्या आना चाहिए 1, तो ये तो कंडीशन जो है वो सही है कि 1 जो है वो लेस देन 5 का स्क्वायर है 25। ठीक है, बट अगर मैं इसका उल्टा करती हूँ 5 और 1 तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी कि b की वैल्यू 1 होगी, इधर 1 का स्क्वायर और इधर क्या होगा 5, तो 5 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, तो वो तो गलत हो जाएगा। सो 5 1 डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर रिलेशन क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 5 एग्जिस्ट कर रहा है बट 5 1 नहीं कर रहा। ऐसे ही अगर मैंने 3,2 लिया, देखो 3,2 r को बिलोंग करता है, यहाँ पे b की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या होगा 3, 3 लेस देन 4 करेक्ट है। और अगर मैं एक और नंबर लेती हूँ 2,3/2, क्योंकि मैंने ट्रांजिटिव कंडीशन चेक करनी है, तो अगर मैंने 3,2 लिया तो अगला 2 से ही स्टार्ट होगा, सो 2, मैंने यहाँ पे 3/2 ले लिया। अब फिर से चेक करो, b की जगह यहाँ पे 3/2 डालो, 3/2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोला है ना, तो यानी कि 9/4, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, सो 2 लेस देन 9/4, सो 2 लेस देन 9/4 तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। बट अब क्या आना चाहिए, 3,3/2 इज शुड बिलोंग टू आर, क्योंकि a और c बिलोंग करना चाहिए r के, सो 3,3/2 शुड बिलोंग टू r, सो यहाँ पे देखो अगर मैं 3/2 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या होता है 9/4, अब इधर क्या है 3, सो 3 लेस देन 9/4, नो, क्योंकि ये 9/4 इज 2 point something, सो 3 लेस देन 2 point something नहीं हो सकता, तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू आर। अब a कॉमा b r को बिलोंग कर रहा है, b कॉमा c r को बिलोंग कर रहा है, बट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज, अब सेट दे रखा है 1 से लेके 6 तक और रिलेशन ये दे रखा है कि ए बी होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए ए प्लस 1, सो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या नहीं। अब पहले रिलेशन बना लेते हैं, देखो क्या होना चाहिए, बी क्या है ए प्लस 1, अब 1 से लेके 6 तक है, अगर मैं 1 डालती हूँ तो बी क्या होगा ए प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, अगर मैं ए 2 डालती हूँ तो बी 2 प्लस 1 3, ए 3 डालती हूँ तो बी 3 प्लस 1 4, ए 4 डालती हूँ तो बी 4 प्लस 1 5, ए 5 डालती हूँ तो बी 5 प्लस 1 6। अब आपको पूछा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, अब देखो यहाँ पूरे उसमें देखो कहीं पे भी सेम सेम रिपीट नहीं हो रहा, 1,1,2,2 नहीं आ रहा, सो एज 1,1,2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। ऐसे ही अगर मैं 1,2 चेक करती हूँ तो 2,1 तो कहीं नहीं आ रहा, सो एज 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 तो डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं 2,3 चेक करती हूँ तो यानी a कॉमा b r को बिलोंग कर रहा है और उसके बाद 3 से 4 भी बिलोंग कर रहा है, 3 से 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, 2,4 भी बिलोंग करना चाहिए, बट वो तो नहीं कर रहा है, आप देखो 2,4 रिलेशन में कहीं नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपने यही करना है, बस कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे देखो रिलेशन r दिया हुआ है, r क्या है a कॉमा b और a लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना। तो देखो रिलेशन जब हम बनाते हैं,
ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। अब क्योंकि हमें कोई सेट नहीं दे रखा तो हम ए बी एलिमेंट ही लेते हैं, तो रिलेशन आर में क्या ए ए आ सकता है? यस, क्योंकि ए इक्वल टू बी का कॉन्सेप्ट भी तो है, सो ए ए आ सकता है। ए लेस देन बी भी हो सकता है, बी लेस देन सी भी हो सकता है, ए लेस देन सी भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन क्या नंबर है, कुछ बड़ा छोटा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हमने ऐसे रिलेशन एज्यूम कर लिया कि ये है। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है, ए कॉमा ए तो आर को बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर मुझे चेक करना है सिमेट्रिक, ठीक है, अगर मैं कोई एग्जांपल लेके चेक करती हूँ, जैसे मैंने 3.7 नंबर माना, अगर वो आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या 7.3 भी आर को बिलोंग करेगा? कैसे पता लगेगा? इस कंडीशन से। देखो 3.7, ए 3 है, बी 7 है, सो यस 3 इज लेस देन 7, बिलोंग कर रहा है आर को। बट अगर मैं ए 7 कर दूं, बी 3 कर दूं, तो 7 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, सो 7.3 डज नॉट बिलोंग टू आर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो ये आर को नहीं बिलोंग कर रहा है। सो यानी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट क्या है, अगर मैं 3.7 आर को बिलोंग करती हूँ एंड 7.12 भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 7 डालोगे और इधर 12, तो 7 लेस देन 12, तो ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? 3.12 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 12, तो 3 इज लेस देन 12, तो यस, सो 3.12 भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमने अज्यूम करके निकाले हैं। सो यानी कि रिलेशन क्या हुआ? ट्रांजिटिव, क्योंकि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी करना चाहिए, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आपने अज्यूम कर करके करने। जैसे अगले में आपको कंडीशन क्या दे रखी है, ए लेस देन बी का क्यूब, ठीक है, और प्रूफ करना है कि ये, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे रिलेशन आपको ये दे रखा है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं नंबर्स डाल डाल के कि यहाँ पे ए लेस देन बी का क्यूब आना चाहिए, और पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो सेम सेम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं ए 1/2 1/2 लेती हूँ, क्योंकि सेम सेम चेक करना ना, 1/2 1/2 आर को नहीं बिलोंग कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे 1/2 डालो और यहाँ पे 1/2 डालो, 1/2 का क्यूब क्या होगा? 1/8 1/8 1/2 इधर, सो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/8, सो 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही देखो, अगर मैं 1.2 करती हूँ कि आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 डाला, यहाँ पे मैंने 2 डाला, 2 का क्यूब 8, सो 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, सो 1.2 तो आर को बिलोंग कर रहा है, बट 2.1 के आर को बिलोंग करता है इसका उल्टा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक चेक करना है। यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाला, 1 का क्यूब इज 1, यहाँ पे 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 2.1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे अगला देखो, अगर मुझे 3.3/2 देख रही हूँ, मैंने ये नंबर रिज्यूम किया, यहाँ पे देखो 3/2 डाला, यानी 9/4, यहाँ पे क्या डाला? 3, सो 3 इज लेस देन 9/4, ओके। देन आपके पास 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू आर, मैंने ये कंडीशन भी डाल के देखी, तो ये भी आर को बिलोंग कर रही है, बट जब ए और बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी और सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी करना चाहिए। अब मैंने ये 3 और 6/5 डाल के देखा, तो यहाँ पे देखो, जब आप 6/5 यहाँ पे डालोगे, सॉरी बी का क्यूब है, तो 6/5 आप यहाँ पे डालोगे, तो 6/5 का क्यूब विल नॉट बी, 3 विल नॉट बी लेस देन 6/5 का क्यूब, सो यहाँ पे ये चीज डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, ऐसे ही, सॉरी, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सो आपको देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, आपको सेट बोला है 1 2 3, 1 2 3 सेट ही है, तो उसका जिसके साथ क्रॉस बनेगा वो भी 1 2 3 ही होगा, आपको रिलेशन ये दे रखा है। अब इस रिलेशन में देखो 1.1 2.2 वो तो आ नहीं रहे, सो एज 1.1 2.2 3.3 ये तो आ नहीं रहे, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। अब अगर मैं चेक करूँ 1.2 है तो 2.1 भी है, यानी कि 1.2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2.1 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू नहीं आएगा, बिलोंग्स टू आएगा, कर रहा है, देयरफॉर रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक। बट अगर मैं कोई ऐसा पेयर चेक करूं कि 1.2
और 2.1 मैंने लिया, यानी ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है और बी जो है वो आगे सी से तो कर ही नहीं रहा, ये तो फिर से 1 आ गया. सो ऐसा कोई पेयर ही नहीं है रिलेशन में. सो देयर इज नो पेयर जहाँ पे ए एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है और वाई कॉमा जेड आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉमा जेड भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ऐसा कोई पेयर है ही नहीं. सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. सिर्फ वो 3 कंडीशन चेक करनी है और आपने हर एक क्वेश्चन में वो चीज चेक करके देखते रहनी है. 3 कंडीशन मतलब आपने याद रखनी है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, जैसे 7th क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला है सेट ए है जो कि बुक्स का है, एक लाइब्रेरी में बुक्स है. यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब बुक में जो ए सेट होगा, देखो ए सेट का ए के सेट के साथ ही करेंगे, मतलब अगर ए सेट है जिसमें बुक्स है B1, B2, B3 एंड सो ऑन, तो उसका बी सेट ए सेट के साथ ही करेंगे जिसमें बुक सेम है B1, B2, B3 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे बोला है कि ये जो x और ये y सेम होना चाहिए, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम ही है, जितना B1 इधर बुक्स में पेज होगा उतना ही इधर पेज होगा, ठीक है. तब चेक करते हैं रिफ्लेक्स कि ये इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं. इक्वलेंस के लिए तो तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. तब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि B1 B1, B2 B2 ये R को बिलोंग करते हैं. यस, क्योंकि आप देखोगे कि B1 और B1 इसमें अगर 10 पेज है तो इसमें भी 10 पेज ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में लिखा हुआ है, तो सेम है, तो यस दे विल बिलोंग टू आर रिलेशन, देन इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है. ऐसे अगर मैं B1 B2 चेक करती हूँ, वो अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो B2 B1 भी आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देखो ना, इस B1 में जितने पेज है उतने ही B2 में पेज है, और इनका ऑर्डर उल्टा करने से पेजेस थोड़ी उल्टे हो जाएंगे, सो सेम ही रहेंगे. सो B1 B2 अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो B2 B1 भी आर को, सो दिस इज सिमेट्रिक. एंड अगला चेक करते हैं, अगर B1 B2 आर को बिलोंग कर रहा है तो B2 B3 आर को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि सब में सेम नंबर ऑफ पेजेस चल रहे हैं, तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा. सो हम कह सकते हैं कि B1 B3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, वैसे ही ए भी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए. सो यानी कि दिस इज ट्रांजिटिव जब ये तीनों फुलफिल हो रही है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है. 8th क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे दे रखा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये ए सेट है. अब सेट ये दे रखा है और रिलेशन क्या बोला है, ए कॉमा बी, जहां पे अगर हम ए माइनस बी का मॉड्यूलस लेते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, इवन, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, पहले ये करते हैं फिर आगे का देखते हैं. आपको सेट ए दे रखा है तो देखो ऐसे ही होगा कि ये ए सेट है, उसका मल्टीप्लीकेशन भी ए सेट के साथ ही लेंगे, यानी इसमें अगर 1 से लेके 5 तक है तो इसमें भी 1 से लेके 5 तक होंगे. अब रिलेशन क्या चेक करना है, ये चेक करो, रिलेशन ही आपने कंडीशन चेक करनी है, ए माइनस बी का मॉड लेके इवन आना चाहिए. देखो अगर मैं 1 का इधर 1 के साथ लेती हूँ, 1 माइनस 1 जीरो होता है. अब वैसे तो हम जीरो को कभी इवन ऑड में कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट अगर करना पड़े तो हम जीरो को इवन में काउंट करते हैं, ठीक है. सो 1.1 यानी 1 माइनस 1 जीरो, सो जीरो इज एन इवन, तो ये काउंट होगा. ऐसे 2.2, 3.3, 4.4, 5.5 ये सब काउंट होंगे, ठीक है, क्योंकि सबका जीरो आने वाला, ये काउंट होगा, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे देखो, अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, यहाँ पे आप और लिख सकते हो कॉम्बिनेशन. जैसे अगर मैं 1 का 2 के साथ लेती हूँ, देखो 1 माइनस 2, -1 आने वाला, बट क्योंकि मॉड है तो 1 बन जाएगा, बट 1 तो इवन नहीं है. अगर मैं 1 का 3 के साथ लेती हूँ, 1 माइनस 3 2, तो 2 इवन है, तो ये भी कॉम्बिनेशन आ सकता है 1.3. ऐसे ही 1 का अगर मैं 4 के साथ लूंगी, 1 माइनस 4, ये तो 3 आ जाएगा, ऑड हो जाएगा. 1 का 5 के साथ लेती हूँ तो 1 माइनस 5 4, 4 इज एन इवन, तो ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो 2-4, देन डैश डैश लगा के आप ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर, ओके. अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. सबसे पहले 1.1, 2.2 क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो यस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हमने यहाँ पे चेक किया, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है एंड जीरो इज एन इवन नंबर, सो देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव. अगला, अगर मैं 1.3 आर को बिलोंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी चेक किया 1 माइनस 3 2 होता है, 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है, ये चेक किया, तो 3.1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए. अगर मैं 3 माइनस 1 चेक करती हूँ तो वो 2 बनता है, सो 2 इज ऑल्सो इवन, सो यानी कि ये क्या हुआ, सिमेट्रिक. अगला,
अगर 1, 3 आर को बिलोंग करता है क्योंकि 1, 3, 2 है, ऐसे ही 3 का और किसके साथ बन सकता है, 3, 5 क्योंकि 3, 5 भी 2 बनता है, सो 1, 5 भी बिलोंग करना चाहिए. तो 1, 5 देखो 1, 5, 4, सो ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन इट मीन्स दिस फंक्शन इज ट्रांजिटिव. ठीक है, अगर तीनों ओबे कर रहे हैं तो इट इज एन इक्विवेलेंस फंक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. Show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other. अब 1, 3, 5 भी related होने चाहिए, 2, 4 भी related होने चाहिए. अब अगर देखो मैं 1, 3, 5 का करती हूँ तो ये related है कि नहीं, देखो 1, 3 करूंगी 2 आता है, 3, 5 करूंगी 2 आता है, 3, 1 करूंगी 2 आता है, 5, 3 करूंगी 2 आता है. किसी भी तरीके से आप माइनस करके देख लो इन एलिमेंट्स को, आपके पास जो है वो इवन ही आंसर आएगा. सो यस, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड. जब भी रिलेटेड चेक करने हैं तो आपकी एक ही कंडीशन होनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है रिलेशन की, इसी कंडीशन से आपने चेक करना, चाहे कुछ भी पूछा हो. ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो दे आर रिलेटेड बिकॉज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स आर इवन. सिमिलरली अगर मैं 2, 4 को चेक करूं तो देखो 2, 4 भी 2 आता है, 4, 2 भी 2 आता है. तो किसी भी तरीके से चेक कर लो, एलिमेंट्स आर रिलेटेड एज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स विल बी इवन. ठीक है, और लास्ट में उन्होंने एक और चीज पूछी है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4. इसका और इसका रिलेशन नहीं बन रहा. आप देखो एक बार दोनों को करके, 1, 3, 5 को 2 के साथ, देखो 1 को 2 के साथ माइनस किया 1 आया, 1 को 4 के साथ किया 3 आया, 3 को 2 के साथ किया 1 आया, 3 को 4 के साथ किया 1 आया, 5 को 2 के साथ किया 3 आया, 5 को 4 के साथ 1 किया. किसी भी तरीके से माइनस कर लो, आपका ऑड ही आ रहा है. सो यस, एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4 एज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स आर नॉट एन इवन नंबर. ओके, सो इस तरीके से आपने करना है. क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट. अब ये आपको सेट दे रखा है. सेट क्या है कि आपके पास 0 से लेकर 12 तक नंबर है. फर्स्ट आपको बोला है कि रिलेशन जो है a कॉमा बी, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. सो यहाँ पे a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. ठीक है, आपके पास नंबर देखो कौन से हैं, 0 से लेकर 12. अब आप चेक करो रिलेशन. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अगर मैं चेक कर रही हूँ, a माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर मैं 0 से लेकर 12 तक नंबर चेक कर रही हूँ, अगर मैंने 1 नंबर लिया तो 1 का अगर मैं 1 के साथ ही कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो 1, 1, 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ऐसे 2, -2 लूंगी तो वो भी 0, 3, -3 लूंगी 0, ऐसे करके 12 तक जा रहे हो, 12, -12, 0, यानी सेम नंबर का तो बन रहा है. अब अगर मैंने और चेक करने हैं, क्योंकि a का a सेट के साथ ही बनेगा, 1 से लेकर 12 तक जो सेट है उसका 1 से लेकर 12 तक सेट के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा. तो अब अगर मैं 1 का 5 के साथ देखती हूँ, सो 1, 5, सो 1, -5 इज 4, 4 तो 4 का मल्टीपल है. ऐसे 1, 9, 1, -9 इज 8, 8 4 का मल्टीपल है. 5, 1 चेक करूं, 5, -1, 4, 4, 4 का मल्टीपल है. तो इस तरीके से आप नंबर 3, 4 ढूंढ सकते हो, देन आप डैश डैश करके लिख सकते हो. अब हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. सबसे पहले देखो 1, 1, 2, 2, ये तो R को बिलोंग कर ही रहा है, सेम आ रहे हैं, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. अब अगर मैं 1, 5 चेक करती हूँ तो 5, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इफ 1, 5 बिलोंग्स टू R, देन 5, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R. देयरफॉर रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ. नेक्स्ट, If 1, 5 belongs to R, and अगर 5 का अगला मैं लेती हूँ, 5 का अगला किसके साथ बन सकता है, 9 के साथ बन सकता है, because 5, -9 is 4, तो 4 का मल्टीपल है, so 5, 9 belongs to R. अब इसके साथ 1, 9 भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो 1, -9 क्या होगा, 8, 8 4 का मल्टीपल है, तो yes 1, 9 also belongs to R. So, इससे क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया. तीनों फॉलो कर रहे हैं, देन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, आगे आपको बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 in each case. 1 के साथ कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं वो आपको बताना है. देखो 1 के साथ एक तो 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिकॉज 1, -1, 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ R, 4. देन 1 का 5 के साथ बन रहा है, 1, -5,
4 है, 4 भी 4 का मल्टीपल है, 1 का 9 के साथ भी बन रहा है, 1 माइनस 9 8, 8 भी किसका मल्टीपल है, 4. सो ये जो एलिमेंट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू 1 सच दैट मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एलिमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ r. इसी तरीके से देखो आप सेकंड वाला भी करोगे. सेकंड में कंडीशन क्या है, a b के बराबर है, सेट अभी भी वही है 0 से लेकर 12 तक, ठीक है. तो हम वही करेंगे. देखो रिलेशन आप बना सकते हो क्योंकि a और b बराबर है तो 1,1, 2,3, 3,3 ऐसा आ सकता है. सो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही प्रूव हो गया क्योंकि सेम सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा. अब इफ a कॉमा b r को बिलोंग करता है क्योंकि a और b तो बराबर है, ये दिया हुआ है ना, तो b कॉमा a भी क्या r को बिलोंग करेगा. अब देखो अगर दो चीजें आपस में बराबर है उनको अगर उल्टा भी लिख दें बराबर तो वो तब भी रहेंगी. a कॉमा b बराबर है तो अभी भी b कॉमा b इज इक्वल टू a रहेगा ही रहेगा, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो. तीसरी चीज, a कॉमा b अगर r को बिलोंग करता है और b कॉमा c भी r को बिलोंग करता है देन a कॉमा c भी r को बिलोंग करेगा. क्यों, आप यहाँ पे देखो a b के बराबर है क्योंकि हमारी कंडीशन चेक करो, रिलेशन की कंडीशन नहीं भूलनी है, a और b बराबर है, ये पहले दो एलिमेंट बराबर है, b और c भी बराबर है, तो यहाँ दोनों से देखो तो a और c भी तो बराबर ही होंगे, therefore relation is transitive. तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया. अब ऐसा एलिमेंट जो कि 1 से रिलेटेड हो तो 1 से रिलेटेड क्योंकि अब कंडीशन चेंज हो गई है, दोनों बराबर होने चाहिए तो 1 के बराबर तो 1 ही होगा. सो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू 1 वो कौन सा है, सिर्फ 1 ही है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय r. ये आपको r रिलेशन दे रखा है और सेट क्या है, a. रिलेशन में क्या बोला है, पी कॉमा क्यू ऐसा होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट लिखे हुए हैं पहला और दूसरा दोनों का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए और प्रूफ करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. तो देखो अगर सेट ए है तो ए का ए के साथ ही देखेंगे, मान लो ए सेट है उसमें भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, दूसरा भी ए सेट है उसके भी पॉइंट्स हैं, दोनों का आपस में ही बनाना है हमें पॉइंट्स का, ठीक है. अब अगर मैं रिलेशन चेक कर रही हूँ इस सेट का पी वन का, इसका पॉइंट जो पहला है और इसका पॉइंट पहला है, अब पी वन का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो दूसरे के पी वन का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा तो ये बन सकता है. ऐसे पी टू भी बन सकता है, पी थ्री भी बन सकता है. अगर मैं पी वन और पी टू से चेक करूं, देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि पी वन और पी टू का डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए. अब पी पॉइंट जो है पी टू उसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इधर ओरिजिन से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस होगा. ऐसे अगर मैं ले लूँ पी वन का जितना ओरिजिन से डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ओरिजिन से पी फोर का होगा, तो ये सब सेम ही होने वाले हैं, ठीक है. अब आपको प्रूव करना है तीनों चीजें. देखो पी वन तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि पी वन एंड पी पी वन हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये ये रिफ्लेक्सिव तो होगा. यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. दूसरा, अगर पी वन पी टू आर को बिलोंग कर रहा है, देखो पी वन और पी टू का जितना ओरिजिन है अगर वो ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर आ रहा है तो पी टू पी वन का भी तो ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर ही आएगा, सेम ही डिस्टेंस चल रहा है. सो रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ. ऐसे ही थर्ड कंडीशन, अगर पी वन पी टू बिलोंग कर रहे हैं आर को और पी टू पी थ्री भी बिलोंग कर रहे हैं, सो पी वन और पी थ्री भी तो करेंगे. मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर पी वन का डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो 5 है तो इधर के पी थ्री का भी 5 ही चल रहा है, सेम ही चल रहा है डिस्टेंस, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज भी सेटिस्फाई हो गई, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है, सो यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. अब आपको यहाँ पे एक और चीज पूछी हुई है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0, 0 0 को छोड़ के बाकी पॉइंट्स लेने हैं इन द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज अ सेंटर. मतलब सारे पॉइंट्स रिलेटेड होने चाहिए इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, और सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए. सारे पॉइंट रिलेटेड होंगे, आप एक मान के चलो एक सर्कल है,
सर्कल का, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स बना दूं उन सब का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से तो सेम ही होगा. सो ये बिल्कुल ट्रू है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर रिलेटेड टू द सर्कल ऑफ द सेंटर आर एट इक्वल डिस्टेंस. इक्वल डिस्टेंस पे भी होंगे, जितने पॉइंट्स भी सर्कल की बाउंड्री पे बना लो उनका सेंटर के साथ एक जैसा ही डिस्टेंस हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर जो कि डिफाइंड है सेट ए में ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स. यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि आपके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए T1, T2, जहाँ पे T1 इज सिमिलर टू T2. कंडीशन क्या है, T1, T2 सिमिलर होने चाहिए. ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब सबसे पहले तो ये प्रूफ कर लेते हैं. देखो अगर ए सेट है, ए में ट्राइंगल T1, T2, T3 एंड सो ऑन चल रही है, तो उसी का ए के साथ ही लेंगे. अब यहाँ पे बोला है कि ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए. अब देखो T1, T1 सिमिलर होंगी, T2 अपने आप से सिमिलर होगी, T3, T3 सिमिलर होंगी. ऐसे मैं चाहूँ इस ट्राइंगल की T1 इस ट्राइंगल के T2 से सिमिलर होगी, सो इस ट्राइंगल का T2 और ये T1 तो ये भी सिमिलर होगा. ऐसे मैं बहुत सारे रिलेशन बना सकती हूँ, क्योंकि अभी हमें ट्राइंगल्स तो पता नहीं है. अभी हमारा यही चल रहा है कि जो ट्राइंगल्स हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैं जहाँ पे ये T1, T2 के सिमिलर है, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल के सिमिलर है, ये आपको दे रखा है. तो हर एक कंडीशन इसमें हो जाएगी. यहाँ पे अगर आप चेक करो पहले रिफ्लेक्सिव, T1, T1, T2, T2 सिमिलर है तो यस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जब कंडीशन ही दे रखी है कि दोनों बराबर है, जो पहले नंबर पे होगा और जो दूसरे नंबर पे होगा दोनों बराबर है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव. देन T1, T2 अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को तो T2, T1 भी करेंगे, क्योंकि अगर T1, T2 के सिमिलर है तो उल्टा कर दूं तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगी ही होगी, तो यस ये सिमेट्रिक भी हुआ. तीसरा, अगर T1, T2 के सिमिलर है और T2, T3 के सिमिलर है तो T1 और T3 भी तो आपस में सिमिलर ही होंगे, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया. तीनों प्रूफ हो गए तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. ठीक है, अब आगे जो इन्होंने क्वेश्चन के पूछा हुआ है वो देखो. कंसिडर थ्री राइट ट्राइंगल्स T1 विद द साइड 3, 4, 5, T2 जिसकी 5, 12, 13 है और T3 जिसकी 6, 8, 10 है. आपको बताना है कि विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड. जब भी रिलेटेड चेक करना है मैं हमेशा बोलती हूँ रिलेशन को चेक करो. यहाँ पे T1 इज सिमिलर टू T2, ये वाला आपको रिलेशन चेक करता है, तो इस रिलेशन को चेक करो. तो देखो मैंने यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स बना दी, ये T1, ये T2, ये T3, तीनों ट्राइंगल्स बना दी. तो यहाँ पे तीनों की साइड्स भी लिख दी जैसे उन्होंने लिखी हुई थी. अब आप चेक करो, अगर मैं सिमिलैरिटी चेक करती हूँ तो जैसे आपने 10th क्लास में किया है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं, सो प्रोपोर्शनैलिटी ही हम चेक करेंगे. सबसे पहले देखो 3/6 ये लिखा, 4/8 ये लिखा, 5/10 ये लिखा. तीनों के साइड्स की रेशो की प्रोपोर्शन 1/2 की आ रही है, यानी ये जो T1 ट्राइंगल है वो T3 के क्या है, सिमिलर. ऐसे ही अगर मैं T1 और T2 की सिमिलैरिटी चेक करूं, 3/5, 4/8, 5/13, आपको पता ना कैसे करते हैं, इसका 3/5, 4/8, 5/13, तो ये तीनों की जो रेशो है वो तो बराबर नहीं है, यानी T1 इज नॉट सिमिलर टू T2. ऐसे ही T3 और T2 की अगर मैं चेक करूं, 6/5 = 8/8 = 10/13, इसकी भी रेशो बराबर नहीं आ रही, तो यानी T3 इज नॉट सिमिलर टू T2. तो सिर्फ हमारी एक ही चीज सिमिलर है, यानी कौन सी ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड है, क्योंकि रिलेशन किसका दे रखा है, सिमिलैरिटी का दे रखा है. सो रिलेटेड क्या है, T1 इज रिलेटेड टू T3. ओके, सो 12th क्वेश्चन तक मैंने करवाया है, आपके आई थिंक 15 या 16 क्वेश्चन है. तो अगले जो 3-4 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, वो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, बिकॉज मैं तो करवाती रहूंगी, कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है, तो प्लीज उनको खुद प्रैक्टिस करो. सो आज के लेक्चर में इतना ही, आपने इतना कंप्लीट करना है, यानी टिल 16th क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है एंड मुझे भेजना है. थैंक यू सो मच.